नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। क्या है पीपीएफ, कब चालू हुआ, कौन इसको रेगुलेट करता है, कितने परसेंट रिटर्न मिलता है, कब इसको लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, अगर ले लिया है तो बीच में बंद कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट डिटेल समझेंगे। मैं जानता हूं कि आप में से काफी लोगों को इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स की नॉलेज होगी, बट ये वीडियो उनके लिए स्पेशली बनाई गई है जिनको पीपीएफ के बारे में सुना तो उन्होंने जरूर है, बट उनको पता नहीं है पीपीएफ क्या है, उनको ये नहीं पता कि इसको कैसे अप्लाई करा जाता है, मतलब किस इसको करने से क्या क्या फायदा है, पीपीएफ किस किस के लिए लिया जा सकता है, उनके लिए वीडियो स्पेशली बनाई गई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कि क्या है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पर मैंने प्रेजेंटेशन खोल रखी है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, पीपीएफ को समझने से पहले हम समझते हैं पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, क्योंकि अगर आपको प्रोविडेंट फंड की ही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए पीएफ के अंदर, पीपीएफ के अंदर, या नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रोविडेंट फंड को हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधि। ये एक रिटायरमेंट कम सेविंग स्कीम है। इसको स्टार्ट किया गया था सन 1952 में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत। उसके बाद पब्लिक के लिए इसको ओपन करा गया था 1968 में पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से। वहीं पे अगर बात करी जाए इंटरेस्ट रेट की, तो ईपीएफ की इंटरेस्ट रेट 8-9% के आसपास रहता है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट रेट रहता है 7-8, मतलब 1% कम रहता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर भी लिमिट है पैसे जमा करने की और पीपीएफ के अंदर भी लिमिट है। पीपीएफ के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है, टैक्स फ्री पैसा मिलता है। इसी तरह से ईपीएफ के अंदर भी आपकी जो सैलरी है उसकी बेसिक सैलरी का 12% तक आप ईपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर ईपीएफ के अंदर आप चाहते हैं कुछ और भी एडिशनल पैसा सेव करना, तो उस केस के अंदर आपके पास दो ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड, मतलब जीपीएफ, उसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं तो प्राइवेट एम्प्लॉय को वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कितने परसेंट रिटर्न इस समय चल रहा है, तो ईपीएफ के अंदर जो करंट रिटर्न चल रहा है वो चल रहा है 8.15%, पीपीएफ के अंदर चल रहा है 7.10%। वहीं पे अगर आप जीपीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो उसके अंदर आपको आपको मिलेगा 7.10%, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वीपीएफ के अंदर तो 8.15%। अब बात करते हैं पीपीएफ में जो आप पैसा लगा रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं है। तो इसमें जो प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है विद इंटरेस्ट, उसकी गारंटी, मतलब उसकी सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पैसा बिल्कुल टोटली सिक्योर है। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर देखिए रेगुलेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वहीं पे जो अकाउंट की टर्म है ये 15 साल है इसकी, और अगर आप 15 साल से ज्यादा इसको चलाना चाहते हैं तो उसके इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, चला सकते हैं। बट पहला जो अकाउंट होगा वो 15 साल का ही होगा। 15 साल खत्म होने से पहले ही, मतलब 14 साल कंप्लीट होने के बाद, आपको जहां पे भी अपने अकाउंट खोल रखा है, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, वहां जाके आपको एक फॉर्म भर के देना होगा जिसमें आपको 5 साल का एक्सटेंशन दोबारा से मिल जाएगा। इसको 5-5 साल के एक्सटेंशन में आप आगे बढ़ा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बढ़ा तो लेते हैं, अब इन बिटवीन 5 साल बढ़ा दिए और आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो साल में एक बार आप पार्शियल या फुल विड्रॉल कर सकते हैं, पर एक ही बार कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बार आप जाएंगे दोबारा आपको नहीं मिलेगा, अगले साल आप उसका विड्रॉल कर सकते हैं। पर विड्रॉल क्या होगा, वो जो आपने डिपॉजिट अमाउंट कर रखा है, इंटरेस्ट इसमें से विड्रॉल नहीं होता है। वहीं पे अगर एज लिमिट की बात करी जाए तो एज लिमिट इसमें कोई भी नहीं है। आप इसमें अपने बच्चे के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, बट उसमें गार्जियन आप रहेंगे, मतलब जो एडल्ट हैं वो गार्जियन रहेंगे उसके अंदर। इसमें एलिजिबल जो है ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलता है इसके अंदर। एचयूएफ जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से अकाउंट खोलते हैं वो नहीं खुल सकता इसके अंदर पीपीएफ अकाउंट। एनआरआई इसमें अकाउंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट हाँ एनआरआई होने से पहले अगर उन्होंने पीपीएफ अकाउंट अपना खोल रखा है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हाँ अगर वो एनआरआई हो चुके हैं तो उस केस के अंदर वो अपना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड जो 16th ईयर है, मतलब 15 साल का अकाउंट टर्म है तो 16वें साल आपको पैसा मिल जाता है। मिनिमम डिपॉजिट जो इसके अंदर है साल का 500 रुपए है, तो 500 रुपए मिनिमम है, तो आप कभी भी इसको कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कंडीशन है उसकी इतनी सैलरी होनी चाहिए, इतनी इनकम होनी चाहिए, कोई भी कर सकता है और पीपीएफ जरूर करना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। मैक्सिमम जो डिपॉजिट है इसके अंदर 1.5 लाख रुपए है, तो आप 1.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, जो प्रीमियम पेइंग टर्म फ्लेक्सिबल है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब आप इसको मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, वन टाइम आया महीने में 2 बार कर सकते हैं, आपके ऊपर है। बट मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए और मिनिमम 500 रुपए,
ये आपका कंडीशन रहेगा। अगर आपका अकाउंट एक्टिव इनएक्टिव हो जाता है, आपने 500 रुपए भी जमा नहीं करे किसी साल में, तो आपका अकाउंट क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होने पे नुकसान क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान होता है कि उस साल जिस साल आपका अकाउंट इनएक्टिव रहेगा उस साल आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर वो नहीं मिलता है। अब आपको उस अकाउंट को दोबारा से रीएक्टिवेट कराना है क्योंकि आपका कुछ पैसा पड़ा है, आप उस पर इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 500 रुपए पर ईयर जो मिनिमम अमाउंट था वो आपको पे करना होता है जिससे कि आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है। अगर बात करें रिटर्न की, तो अभी जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आज की डेट पे 7.10% चल रहा है, और एवरी क्वार्टर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इसको पब्लिश किया जाता है कि पीपीएफ पे कितना इंटरेस्ट अब मिलेगा, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। बात करें लॉक इन पीरियड की, लॉक इन पीरियड इसके अंदर 15 साल है, और वहीं पे अगर आप पार्शल विड्रॉल करना चाहते हैं तो आफ्टर 7 ईयर्स 50% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट आप इसका विड्रॉल कर सकते हैं। लोन ऑन पीपीएफ अकाउंट, तो थर्ड और सिक्स्थ ईयर आपको लोन मिल जाता है 25% ऑफ पेड अमाउंट फ्रॉम द सेम ब्रांच जहां पे आपने अकाउंट खोल रखा है। अब इसमें आपको लोन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, फॉर एन एग्जांपल इस समय बात करें कि 7.10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पे 2% और ऐड कर दिया जाएगा लोन अमाउंट के ऊपर आपका, तो कितना हो गया 9.10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा आपके लोन अमाउंट के ऊपर। अगर हम बात करें प्री मेच्योर क्लोजर की, तो प्री मेच्योर क्लोजर इसमें अवेलेबल है इन केस ऑफ इमरजेंसी, लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज हो रखी है अकाउंट होल्डर को, डेथ हुई है अकाउंट होल्डर की, या बच्चे की एजुकेशन के लिए आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इनके लिए जो सफिशियंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे प्री मेच्योर क्लोजर के लिए। अब बात करें कि लीगल इम्यूनिटी, ये बहुत अच्छा एक वो है कि अगर आप किसी वजह से आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है और आपको कोर्ट की तरफ से आपको किसी को पैसा देना है, तो आपके जो पीपीएफ अकाउंट है उसके साथ अटैच नहीं कर सकती कोर्ट, ये पैसा आपके लिए ही रहेगा। इसके पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट भी यही समझती है कि जो आप पैसा सेव कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, और इसके लिए आपके जो आपके डिपेंडेंट हैं उनके लिए पैसा इकट्ठा करा जा रहा है, तो इस वजह से इस अकाउंट को साथ में कनेक्ट नहीं किया जा सकता। आगे बढ़े इनकम टैक्स बेनिफिट की, तो इसके अंदर तीनों सेक्शन मिल जाते हैं, ट्रिपल ई में आता है, मतलब पेड अमाउंट है उस पर आपको रिबेट मिलती है, वहीं पे जो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है वो भी टैक्स फ्री रहता है, और वहीं पे जो मैच्योरिटी है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स फ्री मिलती है आपको, चाहे वो इंटरेस्ट होगा और चाहे आपने जो पैसा अमाउंट सेव कर रखा है या डिपॉजिट कर रखा है, तो मतलब तीनों ही ऑप्शन के अंदर आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। अगर हम बात करें इसको अकाउंट को ओपन कैसे कर सकते हैं, तो उसको अकाउंट को ओपन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बहुत से प्राइवेट बैंक हैं जहां पे आप उनके एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पे डायरेक्ट आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। अगर बात करें ऑफलाइन की, तो आपको बैंक की ब्रांच में जाते हैं, वहां फॉर्म फिल करते हैं और उसके बाद अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट ओपन कहाँ कहाँ होता है, जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं और नेशनलाइज बैंक हैं सब जगह पे इसकी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो और साथ में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अगर आप फिजिकली जा रहे हैं तो, और ऑनलाइन जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके डिटेल सारी ऑलरेडी होती है, तो वहाँ पे थोड़ी डिटेल आपको फिल करनी होगी, आधार कार्ड पैन कार्ड देना होगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि करते हैं कि जब पब्लिक प्रोविडेंट फंड आया था तो तब से अभी तक उसमें क्या इंटरेस्ट रेट का क्या फ्लक्चुएशन रही है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आने वाले समय में पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा पता नहीं क्या इंटरेस्ट रहेगा, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा रहेगा, कुछ बोलते हैं गलत रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा हमेशा, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है हमेशा एफडी से हमेशा ऊपर रहेगा, ये चीज को तो आपको समझना होगा। देखिए चालू कब हुआ था, 1968 में चालू हुआ था पीपीएफ, 1952 में ईपीएफ चालू हुआ था। जब 1968 में पीपीएफ चालू हुआ तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट कितना था, ये देखिए 4.8%, उसके बाद इसको बढ़ाया गया 4.8% से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 9.5% भी आया 1984 में। 2001 में देखिए 11% था, उसके बाद ये 9.5% हुआ, फिर 9% हुआ, 8% हुआ, 7.9% हुआ, अभी लास्ट 2018 में 7.6% था ये, फिर 8% हुआ, फिर अब 7.1% चल रहा है, करंट जो चल रहा है 7.1% चल रहा है। अब बात करते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं आज के करंट रेट के हिसाब से, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट में ईयरली की बात कर रहा हूँ, रिटर्न 15 साल में कितना मिलेगा, अगर आप 500 इन्वेस्ट करते हैं, 1000 करते हैं, 5000 करते हैं या 12000 रुपए साल का, 12000 मतलब 1000 मंथली, 1.5 लाख रुपए साल का, तो 500 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल कंप्लीट होते ही 16वें साल को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 13,561 रुपए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपए साल का तो 15 साल में आपके 15,000 जमा हुए, आपको मिल रहे हैं तकरीबन 27,000 रुपए। 5,000 रुपए जमा कर रहे हैं साल का तो 1,35,000 रुपए, 12,000 रुपए में 3,25,000 रुपए, और अगर आप 1.5 लाख रुपए पूरा जमा कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपका जो पैसा जमा हो रहा है पीपीएफ अकाउंट में तकरीबन 22.5 लाख रुपए, उसके बदले में आपको जो पैसा मिलेगा वो 40,68,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप इस पैसे को 5 साल के एक्सटेंशन पे देके चलते हैं, आपको उस समय रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी एज आपने स्टार्ट करा है 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में पीपीएफ अकाउंट, तो उस केस के अंदर क्या होगा, 500 रुपए वाले बंदे को देखिए 13,000 की जगह 22,000 रुपए मिलेंगे,
क्योंकि कंपाउंडेड इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट होता है। कंपाउंडिंग की जो पावर है बहुत अच्छी है। अभी आपको मैं अभी 25 साल पे भी दिखाऊंगा। अगर आप 12,000 भर रहे हैं तो 5,32,000 रुपए 3,25,000 की जगह, और देखो 1.5 लाख रुपए को 40,68,000 मिल रहे थे, वहीं 5 साल और इन्वेस्ट करते हैं और 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 66,68,000 रुपए। देखिए इधर 22.5 लाख रुपए जमा करके 15 साल में 40 लाख रुपए मिल रहे थे, वहीं पे 20 साल के अंदर जमा कितना हुआ 30 लाख रुपए और मिल कितना रहा 66,58,000 रुपए, जो कि गारंटीड है आपको। वहीं पे अगर आप इसको 25 साल ले जाते हैं तो देखिए 500 रुपए जमा करके 34,000 रुपए, मतलब तकरीबन जमा कितना हुआ 12,500 रुपए, 500 रुपए अगर ईयरली जमा कर रहे हैं। इसी तरीके से 12,000 रुपए मंथली जमा करते हैं तो 8,24,000 रुपए 2500 साल मिल जाते हैं आपको। और वहीं पर अगर आप 1.5 लाख रुपए की पूरी यूज कर रहे हैं तो 15 साल की जगह अगर आप इसको 25 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो पूरे पूरे 1,03,00,000 रुपए आपको मिलते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 50 साल की उम्र में आप करोड़पति बन सकते हैं पीपीएफ के थ्रू। इसीलिए आपको थंबनेल पे मैंने दिया था कि 400 रुपए पर डे अगर आप बचाते हैं, मतलब 1.5 लाख रुपए साल का, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। 400 रुपए बचाने से आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे या मैंने किस तरह से कैलकुलेट करा है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे पीपीएफ कैलकुलेटर, आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। पीपीएफ कैलकुलेटर मैंने ऊपर टिक करा, ग्रो एप्लीकेशन का सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है, मैं उस पर टिक कर देता हूँ। तो देखिए उस पर गया तो यहाँ पे सीधे ऑप्शन आ रहा है, ऑलरेडी कुछ फिगर्स डली हुई हैं। आप ईयरली कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ 1.5 लाख रुपये ईयरली इन्वेस्ट करना, तो मैंने यहाँ पर 1.5 लाख रुपये कर दिए। उसके बाद कितने साल, 15 साल पैसा इन्वेस्ट हुआ है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.1%, और मेरे को मैच्योरिटी कितनी मिल रही है 40,68,000 रुपये। उसमें मेरे को इन्वेस्ट कितना करा मैंने 22,50,000 रुपए, इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ है मेरा 18,18,000 रुपए, और 40,68,000 रुपए मिल रहा है। इसी तरीके से मैं अगर इस 1.5 लाख को यहाँ पे जो 15 साल है इसको मैं 20 साल कर देता हूँ तो 20 साल पे कितना मेरे को रिटर्न मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है 66,58,000 रुपए, जैसा कि मैंने आपको पीपीटी में बताया था। और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ 25 साल तक, तो 25 साल तक मेरा जो इन्वेस्टमेंट है 37,50,000 रुपए हो रहा है 25 साल के अंदर, और उसके बदले में जो मेरे को मैच्योरिटी मिल रही है डेट इज 1,03,00,000 रुपीज, जो कि पीपीटी के अंदर बताया गया। तो आप इस तरीके से भी अपना पीपीएफ का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाँ, ये कंपलसरी नहीं है कि आप 1.5 लाख रुपए चालू कर रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए हर साल करने हैं। आपके पास इस साल बजट है 1.5 लाख का तो 1.5 लाख कर, अगले साल आपके पास बजट नहीं है, आपके पास सिर्फ 500 रुपए हैं तो 500 रुपए रख के भी आप अपने अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं, जिससे कि आपको इंटरेस्ट मिलता रहे। आइए आप समझते हैं कि किसके लिए पीपीएफ बेस्ट है। सबसे पहला देखिए, पीपीएफ में आपको 7.10% रिटर्न मिल रहा है जो कि हर क्वार्टरल में डिसाइड होता है। ये उनके लिए बेस्ट है जो बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने बच्चों के लिए अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। अगर आप वो इंप्लॉई हैं जिनके कंपनी की तरफ से आपको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी नहीं मिलती है, मतलब इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनके लिए पीपीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। बट वहीं पे अगर आप इंप्लॉय हैं और साथ में आपको ईपीएफ की फैसिलिटी मिली हुई है तो उस केस के अंदर मेरा जो कहना है आपको कि आपको जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वो, अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं तो जीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए ईपीएफ के बाद, या वीपीएफ मतलब वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में। अगर आप प्राइवेट इंप्लॉय हैं तो वीपीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन, 8.15% मिल रहा है अगेंस्ट पीपीएफ 7.10, तो आपको वीपीएफ में जाना चाहिए ना कि पीपीएफ में जाना चाहिए। देखिए अब किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, इससे आपको बड़ा क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर आप इंप्लॉय हैं और आपको ईपीएफ की फैसिलिटी मिल रही है तो बेस्ट है ईपीएफ के बाद आप जीपीएफ और वीपीएफ में जाए। अब दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो आप पीपीएफ अकाउंट में ही जाएंगे और कोई ऑप्शन आपके पास बेस्ट नहीं है। तो यहां पे आके ना हमारी प्रेजेंटेशन ये कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। इसके अंदर आपने समझ लिया कि कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, किस किस के लिए ले सकता है, क्यों फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलते हैं कि पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करिए। मैं समझता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल गए होंगे। अगर उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का यूज करिए और अपना जो भी क्वेरी है उसको मेंशन करिए, उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द जरूर देंगे। बाकी कोई फीडबैक है या कोई ऐसी वीडियो है जो आप बनवाना चाहते हैं हमारे से किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और प्लान के ऊपर, तो जरूर कमेंट बॉक्स का यूज करिए, हम उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो लेके आएंगे। अगर कोई फीडबैक होगा उसके अंदर बदलाव करेंगे। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।